हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या। प्रश्नावली एक निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो इसको हल करते हैं। 140 फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 140 को लेकर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इधर देखना। 140 सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है, 2 का 3 का 4 का। अभी इसमें 2 का 4 है तो 2 का देंगे। 14 में 7 बार, 0 का 0। फिर 7 6 3 बार में, 10 5 बार में। फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 7 बार, 7 5 35। फिर 7 में 7 का 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड इधर लिख देंगे, जैसे कि 2 × 3, फिर 2 × 2 × 5 × 7, 140। इसमें जोड़ा बन रहा है 2 का, 2 को स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 156 अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका पहले 156, 156 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का देंगे, 15 में 14 में 7 बार, 16 में 8 बार। फिर 2 का देंगे, 6 में 3 बार, 18 में 9 बार। इसमें जाएगा आप 3 का, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, 13 में 13 का जाएगा 1 बार। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13, 156। जोड़ा किसका बन रहा है, 2 का, 2 को लिख देंगे स्क्वायर के रूप में, × 3 × 13, और आगे लिखेंगे 156। अब आएगा पहले प्रश्न का थर्ड, 3825, 3825 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3825 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले देंगे सबसे छोटी संख्या का भाग, 2 का नहीं जा रहा, तो इसमें देंगे 3 का भाग, 3 में 1 बार, 6 में 2 बार, 2 बचे, 21 में 7 बार, 22, 21 में 7 बार, 15 का 5 बार। फिर 3 का जा रहा है, 12 आए 4 बार में, 6 आए 2 बार में, 15 आए 5 बार में। अब 2 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 40 आए 8 बार में, 25 आए 5 बार में। फिर 2 का 5 का देंगे, 5 1 बार के, 35 7 बार के, 17 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का जाएगा। यहाँ लिख देंगे इसके गुणनखंड, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, आगे 3825। अब इसमें जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 का और 5 का, तो 3 को भी लिख देंगे स्क्वायर के रूप में और 5 को भी लिख लेंगे स्क्वायर के रूप में, × 17। ये हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, 5005, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले जाएगा 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 1 बार, 0 का 0, फिर 1 बार, फिर इसमें जाएगा 7 का, 7 आए 1 बार में, 28 आए 3 बार में, 3 बार, 4 4 सॉरी, 21 आए 3 बार में। फिर जाएगा इसमें 11 का, 11 1 बार, 33 3 बार, फिर 13 का 1 बार। इसका अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 × 13। इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो इसका आंसर यही होगा, क्वेश्चन नंबर 5। 7429,
पहले करेंगे इसका बाद जे गुणनखंड 7429। इसमें दो का नहीं जा रहा, नौ है पीछे, तीन का नहीं जा रहा, नौ का नहीं जा रहा, सात का नहीं जा रहा, इसमें जाएगा पहले। पहले देंगे, सबसे पहले देंगे 17 का 17 चौक 68 68 बचे कितने, 6 6 62 62 तो 17 51 17 68 ज़्यादा जाएंगे तो 51 दे देते, 17 51 तीन बार में 17 51 बचे 11 11 यहाँ हो गए 119 119 आते 17 के पहाड़े में 7 बार में 7 लिख देते हैं यहाँ। इसमें अब 17 का नहीं जाएगा, 19 का जाएगा, 19 2 38 38 लिखते हैं यहाँ, 38 दो बार में बचे कितने 5 19 57 तीन बार में 3 और 19 57 तीन बार में 23 में 23 का जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं इनके 17 × 19 × 23। यह हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, फिर आगे लिख लेते हैं 7429। आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।